अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बैरिस्टर हसन नियाजी है और लाहौर में अभी भी मैं कैंट में ही हूँ और यहाँ एहतजाज चल रहे हैं। एक फ्रंट खुला हुआ है ये फोर्ट्रेस स्टेडियम से जो रोड जाती है मॉल ऑफ लाहौर और कोर कमांडर हाउस, एक सरवर रोड पे है एक, और एक जो सबसे बड़ी गैदरिंग इस टाइम चल रही है वो सरवर कॉलोनी में है। और आज अपनी आंखों के आगे 3 हेडशॉट्स के बाद मौके पे डेथ्स देखी हैं और कोई फायर वापस नहीं चला। मल्टीपल गोलियां लगी के लोग इंजर्ड भी गए हैं, किसी के हाथ किसी की टांग पे। और ये सूरत हाल है, ट्विटर चल नहीं रहा ना फेसबुक, तो मैंने सोचा वॉइस नोट पे हम अपना मैसेज दें। सारे लोग, कैंट की सारी चौकियां खुली हैं, पूरा कैंट सुनसान रिलैक्स है। आप अगर शेरपाओ का ब्रिज लेते हुए कैंट एंटर और सीधा गिरजा चौक आता है, सीधा जाते रहे तो आप क्राउड को ज्वाइन कर सकते हैं। लोगों ने गाड़ियां भी साइड पर रखी हुई हैं, पानी की बोतलें नमक वगैरह लेके आए, मॉसपेल ले आए अगर आपको लगता है कि लोग जो रेस्ट करें उनको दे दें। लेकिन ये एहतजाज कंटिन्यू रहेगा और हम चलते रहेंगे। और सुबह 8 बजे जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमारे चेयरमैन इमरान खान को पेश किया जाएगा। लॉयर्स को हमने कहा है कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुँचें। और मीन वाइल ये रात, अभी रात के 2 बजे, और हमें अपने जो शहीद हैं उनके एफर्ट को ज़ाया नहीं जाने देना चाहिए। हमने अगले 48 आवर्स अपना प्रोटेस्ट पूरे लो शहर में रखना है, और हमारे बीच में जो एजेंसियों के लोग हैं जो इंतशार फैला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनसे हमें बचना चाहिए और उनको स्पॉट करके प्रोटेस्ट से निकाल देना चाहिए। आग जो आप लोग सड़क पर लगा रहे हैं वो फ़र्क चीज़ ज़ाहिर है, वो टेयर गैस को काउंटर करने के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन ये बिल्डिंग शिल्डिंग अगर कोई अटैक करे तो पीटिया वाले उसका हिस्सा ना बने।